यूपी विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के नामांकन के लिए अब सिर्फ दो ही दिन बचे हैं। आज बांदा में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की खासी तादाद नामांकन स्थल में देखने को मिली। समाजवादी पार्टी, भाजपा समेत आज बीएसपी के चारों विधानसभा के प्रत्याशियों ने एक साथ आकर नामांकन कराया। बसपा नेताओं ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। कभी बुंदेलखंड को बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से बुंदेलखंड में बीएसपी की हालत अच्छी नहीं रही। 2017 के चुनाव में बुंदेलखंड से सपा बसपा समेत सभी पार्टियों को मानो सफाया हो गया था। अब 2022 के लिए बसपाइयों ने कमर कस रखी है। बांदा में आज नामांकन स्थल पर बसपा के चारों प्रत्याशियों ने एक साथ आकर नामांकन कराया है। बांदा सदर से धीरज राजपूत, तिंदवारी से जयराम सिंह, बबेरू से रामसेवक शुक्ला और नरेनी से बसपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री गया चरण दिनकर ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले सभी प्रत्याशियों ने अम्बेडकर पार्क में जाकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नामांकन के बाद चारों विधानसभा में नीला परचम फहराने का दावा किया है। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। जी, आप तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि जो राम को लाए हैं हम जयराम को लाएंगे, क्या कहेंगे? हमारे घर में मेरा नाम जयराम सिंह, पत्नी का नाम सीता सिंह, पिताजी का नाम श्री राजा राम सिंह। तो जो वो कह रहे हैं तो हमारे घर में हमको ले आए सब लोग मिले। तो क्या लगता है किससे संघर्ष है आपका वहाँ विधानसभा? हमारा किसी संघर्ष नहीं, हम तो 24 घंटे 365 दिन सेवा करते हैं, हमारे किसी से लड़ाई नहीं, एक तरफा है। अब कौन क्या कहता है ये तो समय बताएगा। जयराम जी, एक पहला सवाल है कि तिंदवारी विधानसभा 2017 में जिस तरह बीएसपी का पूरे यूपी में स्तर गिरा है, क्या लगता है 2022 में जीत पाएंगे? तो ऐसा है, आप लोग लगता होगा मीडिया को, अभी जिला पंचायत चुनाव में देख लीजिए, बांदा ही देख लीजिए, प्रदेश की बात मत करिए। 30 में 11 जीते सर्वाधिक, और उससे बहुत नीचे जो बीजेपी है और सपा तो बहुत नीचे है, आप देख लीजिए। कितने सीटों? विकास का मुद्दा मेरा प्रमुख ये रहेगा, जो बीएसपी कार्यकाल में जो अधूरे काम रह गए हैं, जैसे रिंग रोड उसको पूरा कराना, बांदा से लेकर जो चौटागढ़ तक डबल लेन बनना था, पपनेरा तक बना है, न तो सपा ने उसको आगे बढ़ाया, न बीजेपी ने बढ़ाया, उसको पूरा कराना, और हमारा जो रिंग रोड है इसको पूरा कराना, हमारा दांदा तिनवारी में बहुत भी ऐसे गांव है जहां आज तक रास्ता नहीं बनी है। जी, सारे जगह रास्ता बनेंगे, हर जगह काम होगा, विकास की गंगा बहेगी। उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल। कितनी सीटें आएंगी? 403 में हम सभी में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के समर्थन के बगैर, किसी से गठबंधन बगैर हम लड़ रहे हैं चुनाव। और विधानसभा में आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, प्रकाश द्विवेदी भाजपा वाले कह रहे हैं कि मेरा पलड़ा भारी है, बीएसपी कहीं नहीं दिखती है। तमाम महापुरुषों